very gala day for us that teachers of our Nigali school has launched this scheme of Swachh Bharat Abhiyan, which is also a national program, and it will aware the civilized people as well as illiterate people also to avoid such type of kuda karkat. और ये इसमें ये भारत जितने भी होंगे इसको देख के जो है सिविलाइज और अनसिविलाइज पर्सन दोनों इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. और मैं इनको अपने स्कूल के 14 हार्दिक धन्यवाद करता हूँ. इन्होंने आज हमारे इस एचआरजी में मैं यही कामना करता हूँ कि आगे भी ये आगे जितना हो सके उसको एनकरेज करे और इसको लॉन्च करते रहे. मैं प्रधानाचार्य कार्यकारी प्रधानाचार्य गोविंद सिंह संस गाड़ी मैं कार्यरत हूँ. और हमने ये स्वच्छ भारत के ऊपर जो अभियान चला है उसमें हमने थोड़ी सी पहल की है कि हम बसेज में डस्टबिन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि बसेज में जैसे लोग चढ़ते हैं जो भी खाते पीते हैं वो बस से बाहर फेंक देते हैं और वो अच्छा नहीं है. इसी में पहल करते हुए हमने ये डस्टबिन जो है इंस्टॉल करने की सोची है. और मैं ये चाहता हूँ और भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसमें आना चाहता है आगे तो इस तरह की पहल कर सकता है. हमने सब सोचा था सर के मार्गदर्शन में हमने एक थोड़ी सी पहल की है, छोटा सा जिसको शुरुआत बोल सकते हैं. सर का हमें बड़ा ही मार्गदर्शन रहा, बड़ा ही सहयोग रहा. हम सर आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें छोटे से स्कूल संस्था को इस शुरुआत करने का मौका दिया. मैं अपने प्लान के बारे में बता दूं, मैं विज्ञान अध्यापक होने के नाते हमने बच्चों में ये प्रतिभा तैयार की है कि अपने घर से लेके हमें अपनी पाठशाला अपने जिला चंबा को ही नहीं हमने हिमाचल को भी स्वच्छ बनाना है. तो इसकी पहल में हमने किया कि हमने एक डस्टबिन तैयार किया है ऐसे जिसपे कि हमने स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है वो दर्शाया है और डोनेटेड बाई ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाड़ी. साथ में मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ 8628814352. अगर आपको ये हमारा प्लान जो है हमारा स्कीम जो है अच्छी लगे तो कृपया आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें सहयोग करें, हमारा मार्गदर्शन करें. ये छोटी सी पहल है और सभी यात्रियों से मेरा निवेदन रहेगा, विनम्र निवेदन रहेगा कि जो स्वच्छता अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है कि हमने पूरे अपने प्रदेश को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को हमने विश्व पे चोटी पे लाके खड़ा करना स्वच्छता के जहाँ पे मायने हैं. तो सभी यात्रियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी आप कूड़ा करकट चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो रैप पर उसे अपनी जेब में डाल लें, लेकिन जैसे ही बस आपकी रुकती है आप जब कंफर्टेबल हो तो ये डस्टबिन आपके सामने लगाया गया है आप इसमें डाल सकते हैं. और परिचालक महोदय से मेरी गुजारिश रहेगी कि जैसे ही आप कहीं पर रुकते हैं खाना खाने या कहीं भी जहाँ भी आपको उचित डस्टबिन बड़ा दिखाई दे इसमें से कूड़ा करकट आप निकाल के जो गार्बेज है उसको वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करें.